हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं पारुल धामा डाक विभाग में एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग हूँ और मुझे लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें कि मैंने हेड ऑफिस एंड डिवीजन ऑफिस और साथ ही साथ रीजनल ऑफिस में भी डेप्यूटेशन पर काम किया है। तो गाइस, आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वह यही है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है अब ये रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू होने लगी है, तो एसएससी सीजीएल के थ्रू इस बार इसमें काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई है। 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं, जो कि गाइस एक काफी मेजर, काफी बिग फिगर है। अभी तक का जो सिनेरियो देखा गया लास्ट ईयर में जैसे वैकेंसीज आती थी, उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा वैकेंसीज इस बार हैं। तो आप सभी को के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड आप सभी को जो है इस पोस्ट को अवेल करने का जो है एक सुनहरा अवसर आपको मिलने वाला है। तो गाइस, आपको जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी वगैरह के बारे में भी क्वेरीज मेरे कमेंट्स में आई, जो मैं अदर वीडियोस बनाती हूँ, जैसे पोस्ट ऑफिस रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, ग्रामीण डाक सेवक हुआ एंड देन जो अपने रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, पोस्टल असिस्टेंट है, शॉर्टिंग असिस्टेंट है, इनके कैसे कैसे ट्रांसफर्स होते हैं एंड जो जो सर्कुलर आए दिन आते रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनको एक सरल भाषा में समझाना मैं आप सभी को जरूरी समझती हूँ। जो लोग जो है हिंदी मीडियम से हैं एंड वो सर्कुलर्स अच्छे से समझ नहीं पाते हैं अगर इंग्लिश वाले हिंदी में, तो उनको समझाना जो है मैं एक एज अ सोशल सर्विस समझती हूँ अपने लिए और मुझे ये अच्छा भी लगता है, इससे मेरा इंटरेस्ट है। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम जो है पोस्टल असिस्टेंट की जो प्रोफाइल देखेंगे कि आखिर अगर आपका पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किस टाइप का ऑफिस मिलने वाला है एंड क्या क्या आपका वर्क रहेगा, क्या क्या आपकी ड्यूटीज रहेंगी, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो गाइस, इस वीडियो में आप बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑफिस में कैसे काम होता है एंड मतलब कि आपका जो ड्यूटी लिस्ट में काम रहता है वो क्या रहता है एंड एक्चुअल में वो ऑफिस में कैसे होता है, उसको हम वीडियो के थ्रू भी दिखाएंगे। कुछ बीच बीच में आपको मैं क्लिप्स दिखाऊंगी प्रैक्टिकली अपने ऑफिस की ही। ओके गाइस, तो एंड साथ ही साथ हम जो है सैलरी स्लिप भी देखेंगे, ओरिजिनल सैलरी स्लिप। अगर आप आज की डेट में ही ज्वाइन हो जाते हैं इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में एज अ पोस्टल असिस्टेंट या फिर एज अ शॉर्टिंग असिस्टेंट एंड और भी बहुत सारी पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट सिर्फ एक खाली नाम है बट इसके वो जो सेक्शंस है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये आता है एंड इसके जो सेक्शंस है वो अलग अलग है, बहुत टाइप्स के हैं, वो भी मैं अभी फर्दर डिस्कस करूंगी आपसे एंड सभी का जो है वर्क नेचर बताऊंगी, क्या क्या उनके वर्किंग आवर्स रहते हैं, किस में ज्यादा फायदा है, किस में नुकसान है एंड क्या क्या आपको काम करना होता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल पीसफुली आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए एंड उसके साइड में दिए हुआ बेल का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई यूजफुल वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके गाइज, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पर एंड देखते हैं व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि ये एक बहुत ही वास्ट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ऑल ओवर इंडिया में ये कोने कोने में फैला हुआ है, एक रूरल एरिया से लेकर जो मेट्रो सिटीज तक हैं, सभी जगह जो है आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे अच्छी फैसिलिटी मेरे को पोस्ट ऑफिस की ये लगती है कि ये मतलब आपको जो है घर के पास जॉब दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल है एंड घर के पास जॉब करना आप लोग समझते हैं, वो लोग तो अच्छे से समझ जाएंगे जो कि ऑलरेडी अदर स्टेट्स में रहकर जो है जॉब कर चुके हैं, उनको अहमियत पता है कि घर के पास जॉब करने के कितने फायदे हैं एंड कितना अच्छा लगता है। एक्चुअल जो गवर्नमेंट जॉब की फीलिंग आती है ना गाइज, वो घर के पास रहकर जॉब करने में ही आती है। जब हम ज्यादा दूर अदर स्टेट में रहकर करते हैं, हालांकि मैंने भी किया है, तभी मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी पहले महाराष्ट्र में 4 साल किए हैं और इसी साल मेरा दिल्ली में ट्रांसफर हुआ है। ओके गाइस, तो मैं अच्छे से इस दुख को समझ सकती हूँ कि हाँ, दूर रहकर जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब करना एंड फिर घर के पास आकर गवर्नमेंट जॉब करने में कितना डिफरेंस है। तो गाइस, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जॉब प्रोस्पेक्टिव है, क्या क्या ड्यूटी लिस्ट रहती है पोस्टल असिस्टेंट की। चलिए गाइस, मूव ऑन करते हैं। गाइस देखिए, जो पोस्टल असिस्टेंट रहते हैं वो भी कई टाइप्स के रहते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पीए पीओ की, मतलब अगर आप पीए बनते हैं, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस में, तो आपको या तो हेड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी या फिर हेड ऑफिस के अंदर बहुत सारे सब ऑफिसेज आते हैं या फिर आपकी मतलब सब ऑफिस में पोस्टिंग होगी या फिर डिवीजन ऑफिस में होगी। डिवीजन ऑफिस सबसे बड़ा डिवीजन ऑफिस रहता है एक जिले में, उसके अंदर हेड ऑफिस रहता है एंड हेड ऑफिस के अंदर जो है बहुत सारे सब ऑफिसेज रहते हैं।
तो गाइस यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस में यहाँ पर आपको कम्प्लीटली जो है पब्लिक डीलिंग का काम करना होगा। एंड कुछ ऐसे डेस्क भी हैं जहां पर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाती हूँ अभी आपको, पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपने देखी है वीडियो क्लिप, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि रजिस्टर कस्टमर आएंगे या तो वो अपना रजिस्टर पोस्ट लेकर आएंगे या फिर स्पीड पोस्ट लेकर आएंगे या फिर पार्सल वगैरह लेकर आएंगे या फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरवाने आएंगे, तो इस टाइप की जो है बहुत सारी सुविधाएं रहती है, या फिर मनी ऑर्डर लेने आएंगे, इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेने आएंगे, तो ये सब काम जो है इस काउंटर पर होता है। बुकिंग होती है इनकी, फिर बैग बनते हैं एंड बैग बनने के बाद वो डिस्पैच का काम यहाँ पर चलता है। ओके गाइस, एंड सेकंड रहता है कि SB, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं आप लंबी सी लाइन लगी देखते हैं पोस्टल काउंटर्स पर, तो वो सेविंग बैंक के उनमें कुछ काउंटर्स रहते हैं, चलिए वो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको फिजिकली। तो ये गाइस आप एक ये वीडियो क्लिप देखिए, देखिए आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स देखे लाइन में रखे हुए, एंड हर कंप्यूटर के सामने एक चेयर रखी हुई थी, तो इन सभी चेयर्स पर एंड कंप्यूटर्स के सामने जो है PA बैठते हैं। PA का जो कम्प्लीटली काम रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, पोस्टल असिस्टेंट को एक तरह से बड़ा बाबू भी बोला जाता है, UDC इक्विवेलेंट रहते हैं ये। तो गाइस इनका काम रहता है कंप्लीटली जो है कंप्यूटर बेस्ड काम रहता है, एंड पब्लिक से डील करना होता है। यहाँ पर ये बहुत सारे जो आपने लाइन में देखे ये सेविंग बैंक के काउंटर्स हैं अलग अलग, कोई SB का है, कोई RD का है, कोई TD का है, NSC, KVP, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस की, सबको जो है एक एक काउंटर पे दो दो तीन तीन काम जो है दे रखा है। तो यहाँ पर इनके अकाउंट वगैरह ओपन करना, जमा निकासी मतलब कैश जो है विड्रॉल होना, कैश डिपॉजिट होना, मैच्योरिटी होने के बाद जो है उनको मैच्योरिटी क्लेम वगैरह सेटल करना, डेथ क्लेम सेटल करना, ये सब जो है यहाँ पर होते हैं। पेंशनर्स से रिलेटेड काम भी यहीं पर होता है। तो गाइस ये सब काम जो है जो बैंकिंग वाले होते हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले काम, वो भी पोस्ट ऑफिस में होते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आप हेड ऑफिस या सब ऑफिस में PA PO में मतलब आपका सिलेक्शन होता है, तो उसमें आपको इसी टाइप से काम करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका काम रहेगा, कहीं कहीं पर पब्लिक डीलिंग रहेगा, कहीं कहीं पर हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो पब्लिक डीलिंग वाला ही दिया जाता है, बट जब आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं, तो फिर आपको फिक्स डेस्क दे दी जाती है, उस पर जैसे कि चेक क्लियरेंस वाला काम दे देते हैं या फिर ट्रेजरी वगैरह का काम दे देते हैं। ट्रेजरी में क्या होता है कि पूरा दिन का जो भी लेखा जोखा रहता है हर अलग अलग काउंटर्स का, वो सभी जो कैश रहता है वो जाकर ट्रेजरी में जमा करना होता है, एंड अगले दिन जब हमें कैश की जरूरत पड़ती है वो भी ट्रेजरी से ही लेना होता है। तो मतलब PLI सेक्शन रहता है, RPLI सेक्शन रहता है, अकाउंट्स वाला सेक्शन रहता है, तो यहाँ पर भी सब PA ही काम करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट ही काम करते हैं, बट उनका पब्लिक डीलिंग से इतना मतलब नहीं रहता है, बहुत ही कम कॉन्टेक्ट रहता है पब्लिक से। तो गाइस ये था कि अगर PO में आपका सिलेक्शन होता है, मतलब पोस्ट ऑफिस वाले PA में अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है PA RO एंड PA CO में। PA RO मतलब कि अगर आप PA बनते हैं रीजनल ऑफिस में, या फिर आप PA बनते हैं सर्कल ऑफिस में, या फिर PA SBCO मतलब SBCO वाला जो काम रहता है उसमें भी पब्लिक डीलिंग नहीं रहता है। SBCO में आपको जो जॉब मिलती है वो मिलती है हेड ऑफिस में, हर डिवीजन में एक हेड ऑफिस रहता है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर आपको जॉब मिलती है, और हर 4 साल में जो है आपका ट्रांसफर हो जाता है। ओके गाइस, तो वहां पर आपको काम करना ये होता है कि जो हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस से जो डेली वाउचर्स आते हैं, ये जैसे अकाउंट ओपनिंग के जो कैश डिपॉजिट रहता है, कैश विड्रॉल रहता है, उसके वाउचर्स आते हैं, डेथ क्लेम के वाउचर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं उनके वाउचर्स आते हैं, सभी मतलब वाउचर्स मतलब यहाँ पर कागज पत्र जो रहते हैं वो आते हैं, तो वो चेक करते हैं SBCO वाले। ओके, जैसे कि नाम से ही पता है सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है सेविंग बैंक पर उनको कंट्रोल करना इनका काम है। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि अगर आपकी जॉब लगती है सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस के PA में, तब आपको क्या काम करना होगा। देखिए, तब आपको जो है कंप्लीटली काम करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड काम होगा आपका, कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी उसमें, एंड आपको कंप्लीटली जो है फाइल वर्क करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही करना होगा आपको,
मेल्स वगैरह देखनी होगी, क्या क्या मेल्स आ रही है, जो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनसे क्या मेल आ रही है और जो हायर ऑफिसेज हैं उनसे क्या मेल्स आ रही है, उनकी फिर रिप्लाई वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने होते हैं, ये सब काम रहता है। चलिए उसकी क्लिप भी मैं दिखा देती हूँ आपको, अपनी ही वीडियो दिखाती हूँ। चलिए गाइस देखिए। ये कंप्लीट जॉब प्रोफाइल थी कि अगर आप पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या क्या काम करना होगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर आप आज की डेट में ज्वाइन करते हैं एज अ पोस्टल असिस्टेंट तो आपको इनिशियल सैलरी जो मिलेगी, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज ये जो देख पा रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी है जो कि एक्स सिटी की है, एक्स वाई जेड सिटी में सैलरी में डिफरेंस रहता है जो कि मेनली होता है हाउस रेंट की वजह से एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वजह से। क्योंकि एक्स सिटी में हाउस रेंट रहता है 27%, वहीं पर वाई सिटी में रहता है 18% एंड जेड सिटी में रहता है 9%। गाइस तो ये आप देख सकते हैं हाउस रेंट एंड ट्रैवलिंग अलाउंस की वजह से काफ़ी डिफरेंस आ जाता है सैलरी में। अगर आप एक्स सिटी में अभी लगते हैं तो आपको मिलेंगे लगभग 47,000 रुपये ग्रॉस सैलरी, वाई सिटी में लगभग आपको 42,000 समथिंग रुपये मिलेंगे एंड वहीं पर जेड सिटी में आपको लगभग 40,000 के करीब रुपये जो है आपको मिलने वाले हैं। गाइज इस वीडियो में सैलरी के बारे में इतना ही रखते हैं क्योंकि डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, बट मैं फर्दर जो वीडियो लेकर आऊँगी उसमें डिटेल में आपको सैलरी बताऊँगी कि कितनी आपकी सैलरी रहेगी, कैसे आप खुद ही आपकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी साल हो गए हों आपको जॉब करते हुए बट आप आपकी सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे। गाइज अगर आप हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस में पीए बनते हैं, मतलब अगर पीए पीओ में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 6 दिन ड्यूटी करनी होगी, 7 दिन में से 6 डेज वर्किंग रहेगा, सैटरडे हाफ डे रहेगा एंड टाइमिंग रहेगी आपकी हेड ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एंड वहीं पर सब ऑफिस में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपका टाइमिंग रहेगा। वहीं पर आपको डिवीजन ऑफिस, रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस में से किसी भी एक ऑफिस में अगर आप पीए बनते हैं तो वहां पर आपको 5 डेज वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी एंड टाइमिंग आपकी वही सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहने वाली है। देखिए गाइस मैंने आपको कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बताई डिटेल में बहुत ही अच्छे से एंड आपको सैलरी के बारे में भी बताया कि एक्स वाई जेड सिटीज में आपकी कितनी सैलरी रहेगी। तो गाइस आई होप ये दोनों पॉइंट्स जो है बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। गाइस और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ बट वीडियो जो है काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स जो है जैसे कि ट्रांसफर रिलेटेड हो गया और सैलरी के अलावा भी आप कितना कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम आपकी पर मंथ कितनी हो सकती है एंड कैसे वो आप कमा सकते हैं लीगली, उसमें कोई भी इलीगल नहीं है, आप लीगली कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी एंड प्रमोशन चांसेस क्या क्या हैं आपके एंड ट्रांसफर के कैसे कैसे किस हिसाब से होता है, कितने टाइम बाद होता है, तो ये सब चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कैसा रहा है 5 साल का, वो भी मैं शेयर करूंगी। अभी वीडियो काफी लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने इतना लेंदी बनाना जरूरी नहीं समझा है क्योंकि फिर देखने में भी प्रॉब्लम आती है। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ड्रॉप कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है उसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है सेटिस्फैक्टरी आंसर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर सकते हैं, उसका आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ जो है एक ब्यूटीफुल रिप्लाई दिया जाएगा। ओके ब्यूटीफुल रिप्लाई इन द सेंस कि आपको एकदम एक्यूरेट रिप्लाई दिया जाएगा बिकॉज आई नो ऑल अबाउट द जॉब प्रोफाइल सैलरी एंड अदर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ द पोस्टल असिस्टेंट एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो। तो गाइज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन नो डाउट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर लास्ट में भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, एक बटन ही दबाना है आपको। ठीक है इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपका भी फर्ज बनता है हमें क्रेडिट देना, तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, यही हमारे लिए काफी है। ओके गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइए अपने कमेंट्स वगैरह, उन पर फिर वीडियोस बना देंगे, आपको क्लियर कर देंगे आपके पॉइंट्स। चलिए थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।